हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल डिविनिटी डायरोस एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, करेक्ट। सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली अगले 48 घंटे में क्या हो सकता है। सो ऑफकोर्स कौन से घटनाएँ हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि आपके करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, वाट आर यू फेसिंग इन द करेंट सिचुएशन, ठीक है। सो लेट्स सी, यूनिवर्स फॉर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के वर्तमान हालात किस प्रकार है, चाहे आप देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स या पर्सनल एस्पेक्ट्स या बिजनेस या फाइनेंस, कुछ भी हो सकता है। यूनिवर्स फॉर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो वर्तमान हालात है, सर्कमस्टेंसेस है, वो किस प्रकार है। यूनिवर्स फॉर गाइड्स प्लीज गाइड। वी डू हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स, वी डू हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वी डू हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, वी डू हैव द स्टार कार्ड, ओके, यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आज पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है, टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, आई होप यू कैन सी इट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ कप्स, तो यहाँ पे सारे साइंस वृषभ, कन्या और मकर राशि है, एक्वेरियस कुंभ राशि है, यहाँ पे वी डू हैव यस कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम दूसरे डेक से भी देखेंगे। आपके इम्पोर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं 4, 8, 17, दैट इज दिस वन, 8, 2, 2, 4, 8 and 10 एंड 1 कैन बी इम्पोर्टेंट। मुझे दिख रहा है कि आपके वर्तमान हालात पर कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर जो है इनसिक्योर हो सकता है आपका। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लग सकता है लाइक यू नो व्हाट दैट आप थोड़ा सा दुविधा में हो कि क्या करना है आपको आगे जाकर, क्या आपको अपना पैसा जो है एक ही कंपनी में या एक ही प्रकार का आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है या दूसरे प्रकार का आपको करना है। यू वांट टू अर्न मनी एज सून एज पॉसिबल, आप जल्द से जल्द रोजगार करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके जो करंट फाइनेंशियल क्राइसिस है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिले टू इंक्रीज योर मनी, ठीक है। जैसे है ना, रोजगार तो आप कर रहे हैं लेकिन जितना भी आप कर रहे हैं दैट इज़ नॉट सफिशियंट, ओके। हो सकता है कि आपकी फैमिली की नीड्स बहुत ज़्यादा है, ज़रूरतें बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं पर यू आर नॉट गेटिंग द अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स। आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों की कमी है, आप चाहते हो कि एक नई रिलेशनशिप भी शुरू हो और इससे पहले आप थोड़ा बहुत सेटल्ड भी हो जाओ। कुछ लोगों के लिए अगर आपके रिश्ते दिखाए मतलब आ रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि दे आर आस्किंग दैट व्हाट इज़ योर सैलरी, ओके, स्पेसिफिकली इफ़ यू आर मेल, तो हो सकता है कि वो पूछ रहे हैं आप कहाँ पे काम करते हैं, रोजगार कितना है, आपका बिजनेस कैसा चलता है, इट्स लाइक दैट, ओके, दे आर आस्किंग रिपीटेडली। सो वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट कर ही रही है, उसके साथ साथ आप किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे आप हो सकता है कि आपके पेरेंट्स शायद कुछ और बोल रहे हैं, उनके घर वाले कुछ और बोल रहे हैं, आप थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड है। आप अपने ज़िंदगी को एक बेहतरीन तरीके से जीना चाहते हैं, यू वॉन्ट योर लाइफ टू बी फुल ऑफ पॉपुलैरिटी, नेम, फेम, रेपुटेशन आपको मिले, आप ग्लैमरस पोजिशन पर रह जाना चाहते हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं आपको ऐसा लगता है कि आप हकदार हैं उस चीज़ का, बट यू आर नॉट गेटिंग इट, यू आर नॉट अचीविंग इट। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जहाँ पे उस इंसान का ईमानदारी के साथ साथ वो इंसान जो है आपकी सारी दर्द और दुख का अंत भी करे, ठीक है, उस तरह से भी है। दूसरा है यू वांट योर लाइफ टू बी कंफर्टेबल। आपके करंट सिचुएशन में है कुछ लोग अच्छे खासे,
रोजगार तो कर ही रहे हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ ओके फॉर योर फ्यूचर. आपको ऐसा लग रहा है यू वॉन्ट टू लीव फॉर योर फ्यूचर जनरेशन, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो उनको एजुकेशन करवाना हो, ठीक है, उनको सटीक जगह पे उनका करियर स्टेबल हो जाए वो देखना हो, उस तरह से, ठीक है. अगर आपके बच्चे हैं तो आप चाहते हो कि उनका फर्दर एजुकेशन हो, अगर आप उनको अब्रॉड भेजना चाहते हैं तो आप जानते ही हैं ओके यू नीड फाइनेंसेस. कुछ लोगों के लिए यू वांट टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, सो यू वांट सर्टेन फाइनेंसेस, ठीक है, आप चाहते हैं. कुछ लोगों के लिए यू वांट टू बिल्ड अ हाउस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि क्या आपको अपना इन्वेस्टमेंट्स जितना दिन भी आपने सेव किया है उसको आप तोड़कर एफडी तोड़कर आप करें, या आपको ईएमआई लेना पड़ेगा, या आपको लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. सो व्हाट वुड यू डू? सो देर आर डिफरेंट थिंग्स. कुछ लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी या कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ करियर मुझे सिलेक्ट करना है, कि आप चाहते हो कि इन फ्यूचर इट वुड गो फॉर अ फेवरेबल पोजिशन, ठीक है. आपको ऐसा मतलब फ्यूचर में ना हो ऐसा कि आपका जो कोर्स है उसमें कोई जॉब का है ही नहीं कुछ, तो आप ऐसा नहीं चाहते. यू वॉन्ट टू सिक्योर योर फाउंडेशन. आने वाले समय में आपके लिए क्या रखा है? विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स स्पेसिफिकली वट इज गोइंग टू हैपन फॉर श्योर, विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स वट इज गोइंग टू हैपन फॉर श्योर. We do have the Hawk Prince, spirit communication, paying attention. Okay. यहाँ पे है the Ring Master of Scrutiny. यहाँ पे है the Prison Wife. Okay. The Camel Boy. The Winged Wise Ones. यहाँ पे है the Word Lord. Bottom of the deck हमारे पास है Vow, the Sun Dancers. यहाँ पे लिब्रा है, फर्गो है, यहाँ पे एरीज एंड स्कॉर्पियो है. ओके, वी डू हैव कैंसर ऑल्सो एट द सेम टाइम. बहुत सारे सन साइंस, मून साइंस एंड जोडियक साइंस यहाँ पे है. लियो है यहाँ पे. वी डू हैव यस, वर्गो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स. नाउ नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा क्या हो सकता है? नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको कुछ सिग्नल्स मिल सकता है. जिस तरह से कभी कभार क्या है ना, जब आप रेलवे से ट्रैवल करते हैं, आप देखते हो माइलस्टोन कि 23 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स टू गो, 50 किलोमीटर्स टू गो, उस तरह से आप देखते हो, राइट. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको ना लगातार कुछ सिग्नल्स, कुछ ऐसे साइंस मिल सकते हैं. मे बी एंजल नंबर्स, मे बी फेदर्स, एनीथिंग. विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आपको केयरफुली उसको ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा, और उसका अलग अलग मीनिंग, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग होगा. यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप अपने काम के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड डेफिनेटली यू विल बी स्टडिंग मोर. सिर्फ बुक्स ही नहीं, बट यू विल जस्ट सर्च फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है, और आपको बहुत कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पता चलेगा. ऐसा नहीं है कि आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही पता चलता है. लिमिटेड इन्फॉर्मेशन इज डेंजरस, बट आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पता चलेगा, चाहे वो आप किताब से हो, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे वो कहीं ना कहीं पे किसी ने आके आपको कहा हो, एनीथिंग इट इज़ लाइक दैट. एंड फिर आप ना सोच पाएंगे कि आपको क्या करना है. एक्चुअली क्या है ना, इन द करेंट सिचुएशन समथिंग इज ऑब्स्ट्रक्टिंग योर वे. कुछ तो है जो आपके रास्ते पर अटक गया है, उसको सिर्फ हटा देना है और फिर आगे चलना है. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है आप अपने आप को नेक्स्ट 48 आवर्स में, ऐसा हो सकता है आपको लगे कि पता नहीं फाइनेंसेस का क्या होगा, पता नहीं मैं सेटअप कर पाऊंगी या नहीं, पता नहीं ये सब कुछ चीज़ कैसे मैं मैनेज कर लूँगी, पता नहीं ये सब कुछ चीज़ मेरे साथ होगा भी या नहीं. कुछ कन्फ्यूजन सबके रह सकते हैं, बट बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ना कुछ असिस्टेंस, कुछ हेल्प, अच्छा कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, कहीं ना कहीं पे फ्रेंड्स के साथ, अगर आपके फ्रेंड्स ग्रुप है
वहाँ पे बहुत कुछ आप लोग शेयर करके ग्रुप वाइज स्टडी कर सकते हैं, कुछ ऐसा एक्सपर्ट एडवाइस ठीक है चाहिए होगा आपके प्रोफेशनल एरियाज में। सो हो सकता है कि आपको बुलाए वहाँ पे और आपको बोला जाए कि आप उसका हल निकाल दें। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप उनकी भी मदद करेंगे और उसके बिहाफ में आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि सपने में आपको बहुत ही खूबसूरत जो है मोमेंट्स आप एंजॉय करने वाले हैं, मतलब शुभ सपने होंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ड्यू टू मिस कंसेप्शन राइट, ड्यू टू यू कैन से लैक ऑफ कम्युनिकेशन, आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं मुझे ना मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरा ही सबसे ज़्यादा है ना लॉस हुआ है इस दुनिया में, शायद किसी का नहीं होता है, मेरे जैसा किसी ने नहीं सफ़र किया है। तो वो सदा की आपकी गलत फहमी कुछ समय तक रहे, आपका मूड जो है मूड में चेंजेस मुझे दिख रहे हैं, बट देन ऑल ऑफ अ सडन जब एक कॉल आएगा, जब एक मैसेज आएगा, जब आप किसी के साथ बातचीत भी करेंगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि यस इट वॉज लाइक अ कन्फ्यूशन, इट वॉज लाइक एन इल्यूशन, वो मेरा भ्रम था कि मैं कैद हूँ, मैं कैद नहीं हूँ, मैं अपना डिसीजन ले सकती हूँ, अपना डिसीजन ले सकता हूँ। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको वो भी पता चल जाएगा कि आने वाले समय में अगर कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस आए या कभी भी जॉब में बदलाव आए या आपको अपना स्ट्रीम जो है वो चेंज करने पड़े या रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आए, सो आप उसको हैंडल कैसे करेंगे। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे ना बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में जैसे घटित होने जा रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में। हो सकता है कि आप किसी के बर्थडे पार्टी या वेडिंग या कुछ आप अटेंड करो या आप उनके साथ शामिल हो जाओ, जैसे होता है ना कि घर में बहुत सारे मेहमान आ गए एंड आई डू थिंक सो कि आप उनके साथ शामिल होंगे, बैठ के सब लोग मिलके एक साथ खाना खाना, चाहे वो सिंपल फूड ही क्यों ना हो या भजन कीर्तन करना ही क्यों ना हो, वो सत्संग क्यों ना हो, आपको अच्छा लगेगा इन दैट काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन। लास्ट हम देख लेते हैं दैट विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स व्हाट इज डेफिनेटली गोइंग टू एंटर योर लाइफ। सो व्हाट इज गोइंग टू एंटर योर लाइफ विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, अगले 48 घंटे में क्या हो सकता है, यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज गाइड करें, नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा क्या हो सकता है। ओके, वी डू हैव विन विन आउटकम इज इन द फोरकास्ट, सो फुल मून इन लिब्रा, कुछ जीत देखो यहाँ पे है विन विन आउटकम और यहाँ पे क्या है जॉयफुल एक्टिविटी सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ अबंडेंस, सो ये होगा। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। अगर आपको ऐसा लग रहा है, कभी कभार ऐसा होता है ना इंसान से ही गलती होती है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अगर अंडर एस्टिमेट करते हो अपने शत्रुओं को या राइवल्स को, वो गलत होगा फिर, ठीक है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट एनी वन, स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। यहाँ पे देखो जैसे मैंने आपको बताया विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आपको फील हो सकता है कि आप इस कैद से कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते, जहाँ पे स्मोक है, जहाँ पे एक इल्यूशन है, भ्रम है, डिफिकल्टीज है, चोकिंग है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अगर आपके कोई इस तरह के ठीक है डिजीज़ भी है, इलनेस भी है, सो भी आप ऐसा लग सकता है कि आप कभी भी नहीं निकल पाओगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, यू विल डेफिनेटली ठीक है मूव आउट ऑफ दिस सिचुएशन, आप खुद ब खुद ही ऐसा स्टेप लेंगे। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, सिर्फ चेंजेस नहीं, सिर्फ बदलाव नहीं, बहुत बड़े बदलाव यहाँ पे मुझे नज़र में आ रहे हैं। बॉटम ऑफ दैट डेक वी डू हैव यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। सो मुझे दिख रहा है अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फैमिली अगर आपसे दूर है तो वो कैसे होंगे, ठीक है वो अच्छे होंगे या नहीं, शायद कम्युनिकेशन आप प्रॉपरली रिसीव नहीं कर पाते या आपको ऐसा लगता है इनसिक्योरिटी महसूस होता है, फ्यूचर में क्या होगा। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपको ऐसा लगेगा कि नहीं सब लोग सही है, क्योंकि आप जो है ना आप लाइट के तरफ जा रहे हो, सो व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स द लाइट नो वन कैन टच यू। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब।
थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी. लव यू अलॉट. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड